ओह माय गॉड, फाइनली आप लोगों के लिए वो मौका आ गया जिसका आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भाई इस स्पीड के वो पीस यार मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे। लेकिन यार परचेज करने वाले लोग इतने सारे हैं कि रोज मुझे कॉल आते हैं, यार हमें कैन कोर्सो वो पीस परचेज करने हैं और वो भी अल्टीमेट क्वालिटी में। तो गाइस आप लोग की रिक्वायरमेंट ये वीडियो पूरी करने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोग को कलर्स भी अलग अलग मिलने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोग को कैन कोर्सो में ब्लैक पपीस ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ग्रे कलर भी मिलने वाला है जो कि बहुत ही रेयरेस्ट कलर है इस ब्रीड के अंदर। और गाइस जब आप लोग इन पपीस के पेरेंट्स को देखोगे ना, तो ये जरूर कहोगे कि यार मुझे ऐसी फाड़ू क्वालिटी यार तू लेकर कहां से आता है। लेकिन यार मेरे व्यूवर्स इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही था। वैसे अगर आप लोग भी किसी भी डॉग ब्रीड में ऐसी क्वालिटी चाहते हैं ना, तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि डेली आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो कैन कोर्सो एक बहुत ही पावरफुल डॉग ब्रीड है, तो फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है इन्हें हैंडल करना। सो अगर इस ब्रीड की हाइट के बारे में बात करें, तो 24 से 27 इंच तक हो जाते हैं, और वहीं पर अगर वेट की बात करें तो इनमें 45 से लेकर 60 केजी तक वेट इजीली हो जाता है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग अपने डॉग्स को किस तरह की डाइट देते हैं। और लार्ज साइज की डॉग ब्रीड होने के बावजूद भी इनका लाइफ स्पैन बहुत बढ़िया है, जो है 10-12 ईयर्स तक का। और जो इस ब्रीड का शेडिंग लेवल होता है ना, वो बहुत कम होता है। आई मीन आप लोग इनके कोट को इजीली मेंटेन रख सकते हो, शेडिंग के टाइम पे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ब्रशिंग आप लोग वीकली कर सकते हो, वो भी इनके कोट को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। सो कैन कोर्सो काफी प्रोडक्टिव डॉग्स होते हैं, एंड ग्रेट डॉग ब्रीड है उन लोगों के लिए जो थोड़े से एक्सपीरियंस रखते हैं डॉग्स के अंदर। वैसे कैन कोर्सो काफी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और एनर्जी लेवल भी काफी अच्छा होता है। और गाइस क्या आप लोग जानते हैं कि कैन कोर्सो का जो बाइट प्रेशर होता है ना, वो कितना होता है? भाई वो होता है 700 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जो कि एक शेर से भी ज्यादा है। बाकी एक लोइन का बाइट प्रेशर कितना होता है अगर आप लोगों को बताना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस चीज को लेकर नॉलेज रखते हैं। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं इन पपीज के पेरेंट्स से। भाई ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इन पपीज की मदर है, जो कि इंपोर्ट लाइन से। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन गाइस जो क्वालिटी आप लोग अब देखने वाले ना इस डॉग की, भाई ऐसी क्वालिटी कैन कोर्सो में आप में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी, क्योंकि ये जो डॉग है ना, ये डायरेक्ट इटली इंपोर्ट है। एंड गाइस यहां पर आप लोगों को दो अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। आई मीन पपीज को ना आप लोग कैसे पेपर्स के साथ भी परचेज कर सकते हो, और विदाउट पेपर्स भी। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोगों को पेपर्स की नीड है या फिर नहीं। सो गाइस आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है इन कैन कोर्सो पपीज को परचेज करने के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि पपीज जो ना आज से एग्जैक्ट 26 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है जम्मू से। अब अगर आप लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल है ना कि आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट जो ना वो ओनर के चैनल पर ही अवेलेबल है, जिन्हें आप लोग लाइव देख सकते हो डायरेक्ट विजिट करके। या फिर अगर आप लोग नहीं जा सकते, तो डोंट वरी, ओनर पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड प्राइसिंग की बात करें, तो गाइस यहां पर ओनर ने इन पपीज का प्राइस जो ना वो रिवील नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि पपीज भाई लो प्राइस में नहीं होने वाले, पपीज का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि बोथ साइड इंपोर्ट लाइन है। बाकी थोड़ा प्राइस गैस करके आप लोग भी बताना कि इन पपीज का प्राइस किस लेवल तक जा सकता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।